अपने स्केच को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसके ऊपर एक स्प्रे यूज करते हैं, उसका नाम है ये फिक्स्ड स्प्रे, और इसे हम यूज करेंगे और देखेंगे इसका रिजल्ट क्या निकलता है। इसे हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारा स्केच होता है वो टाइम टू टाइम थोड़ा लाइट होने लगता है और थोड़ा फैलने भी लगता है, पेंसिल और चारकोल का स्केच, तो इस स्प्रे से हम उसे फिक्स कर देंगे। मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर एक हल्की सी लेयर बन जाती है, जिसके वजह से वो स्केच ना ही ज़्यादा फैलता है और ना ही वो लाइट होता है। तो हम इसे यूज़ करेंगे और इसका हम रिजल्ट देखेंगे क्या निकलता है। ये पहली लेयर हो गई, अब ये दूसरी, और ये तीसरी, और ये चौथी। बस इतना ही मैंने स्प्रे किया है, आप ध्यान में रखना। अब सूखने के बाद हम इसका रिजल्ट देखते हैं कैसा आएगा। हमारा स्केच जो है वो सूख चुका है, अब हम चेक करेंगे इसकी क्वालिटी। अब देखो ये सूख तो चुका है, पर इसके ऊपर एक वाइट पाउडर जैसी लेयर बनी हुई है। ये देखो हाथ लगाने से ये साफ भी होती है। देखो अब हम इसे क्या करते हैं, ये देखो इसे हम ब्रश से साफ कर देते हैं। ये सॉफ्ट मेकअप ब्रश है, इससे हम पूरा क्लीन करेंगे, बड़े हल्के हाथों से करेंगे, क्योंकि हमारा पूरा स्केच तैयार है। कोई भी गलती नहीं करेंगे कि हमारा स्केच थोड़ा सा भी ख़राब हो। अब आप इसे ध्यान से देखो, ये वाइट पाउडर जैसा है। मैंने पहली बार ये स्प्रे यूज़ किया है, और आपको कपड़े पे लगा के दिखाता हूँ। ये देखो ये वाइट पाउडर सा निकला है इसमें से। और जहाँ तक पेंसिल का सवाल है, वो तो फिक्स हो चुकी है, वो अभी फैलेगी नहीं। और मेरा जो स्केच है, मुझे नहीं लगता कहीं से वो थोड़ा लाइट भी हुआ है। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, इस स्प्रे का रिजल्ट तो अच्छा ही है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह का और कंटेंट देखना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहे। मैं और ड्राइंग की ट्यूटोरियल वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगा। थैंक यू।